السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد مؤسس حاضرين جهاه بزندگی خوشگوار वो घराना बेहतर अंदाज से अपने माहौल को इस्लामी माहौल बना सकता है और अपनी ज़िंदगी के मकसद में कामयाब भी हो सकता है और शोहर व बीवी से कोई घराना बनता है शोहर को अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया शरीयत ये सिखाती है कि वो बीवी के साथ नरमी का मामला करे उस पर हाथ ना उठाए उसके चेहरे को बुरा भला न कहे बदसूरत कर दाने, और जो खाए उसे खिलाए जो पहने उसे पहनाए उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखे उसकी खुशी का ख्याल रखे और वहीं पर बीवी को इस बात का हुक्म है कि अपने शोहर की मोती और फमा बरदार बनी रहे उसकी कभी मुखालफत ना करे कभी उसको गु़स्सा ना दिलाए कभी उसकी नाराज़गी वाला काम ना करे बल्कि हर हाल में वो उसकी फरमा बरदार रहे और ऐसा कोई काम न करे उसकी ग़ैर मौजूदगी में भी जो उसको नापसंद हो ये हुक्म शरीयत एक बीवी को देती है तो मुजसादरीन औरतों की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने शोहरों की फरमा बरदार बने बड़े अफसोस के साथ हमारे अपने माशरे की औरतों की ये सोच है मुकम्मल न सही तो एक बड़ा तबका औरतों का ये समझता है कि शहरों की इतात मतलब शहर कोई ऐसी बात का हुक्म दे जो उसको पसंद हो जो उसकी ख़्वाहिश हो जिसको ये पसंद करती हो तो वो करेगी और अगर शहर कोई ऐसी बात का हुक्म दे जो इसे नापसंद हो इसको नापसंद वो करती हो तो ऐसी चीज़ों में इतात नहीं की जाती इतात नहीं करती हैं या फिर अपना मूड अच्छा रहे अपनी तबीयत अच्छी रहे अपनी सोच अच्छी रहे तो शौहर की बात माने और थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाए तो ऐसी सूरत में शहर की इतात एक सानवी चीज़ बन के रह जाती है ये बड़ी गलत बात है ये तात नहीं कहलाती ये गोया खुद गर्जी की बात हुई कि आपकी अपनी गरज हो तो आप शोहर की इतात करेंगी आपकी गरज ना हो तो आप इतात ना करें ये तो खुद गर्जी है और ख़ुदगर्जी कोई अच्छी सिफत नहीं है कोई अच्छी आदत नहीं है नेक औरत की जो शरीयत ने बयान की है, वो ये हैं कि वो अपने शोहर की मौजूदगी में उसकी ग़ैर मौजूदगी में हर हाल में उसके माल की अपनी इज़्ज़त की उसके औलाद की मुहाफिज, निगहबान होती हैं और कोई ऐसा काम अपने घर पे होने नहीं देती जो अपने शौहर को नापसंद हो और इसी तरीके से एक रिवायत में आता है कुतनी ने जिसको रिवायत किया कहते हैं कि नबी करीम सलातम ने फ़रमाया अकबरकुम बिनसा मिन अहल जन्ना कि मैं तुम में से जो जन्नती औरतें हैं उनकी सिफ़ात बताऊँ अल्लाह के नबी ने फ़रमायालूद अलूद अदलत غمضا حتى ترضا आपने फरमाया कि तुम में से वो जन्नती औरतें हैं जो अपने शोहर को बहुत चाहने वाली होती हैं शोहर के लिए बहुत से बच्चे भी देती हैं औलाद पैदा करने वाली वो होती हैं शोहर की तरफ लौट कराने वाली होती हैं शोहर ही उनके लिए सब कुछ होता है और जब उनसे कोई ऊंच नीच हो जाए बीवी से जुल्म हो जाए ऊंच नीच हो जाए एक बदखलाक़ी हो जाए कुछ भी हो जाए तो आकर के अपना हाथ अपने शोहर के हाथ में दे देती हैं कहती हैं कि लाअो को गम बनहत्ता तरदा जब तक तुम मुझसे राज़ी नहीं हो जाते मैं चैन की सांस नहीं लूँगी मैं सोऊँगी नहीं ये सिफ़ात है नेक औरतों की जो अपने शोहरों की खुशी का इस हद तक ख़याल रखती हैं कि अपनी तमाम ख़ुशियों को शोहरों की खुशियों पर कुर्बान कर देती हैं ये नेक औरतें हैं ये शोहरों की मुती और फवा बरदार औरतें हैं एक रिवायत में आता है जिसको कि इमाम मालिक और इमाम अहमद ने बयान किया है कहते हैं कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई अल्लाह के नबी ने पूछा अदा तो बाल अन थी क्या शादीशुदा हो कहा के हाँ पूछा कैसे सलूक करती हो अपने शोहर के साथ तो कहने लगी कि उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है हाँ जब मुझे कुछ जरूरत पड़ जाती है तो उस, उसकी मदद ले लेती हूँ वरना मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है तो अल्लाह के नबी आल इसम ने कहा आई क्या सलूक है यह क्या तरीका है नमा हुआ जन्नतों की वह ना रुक ये तो तुम्हारी जन्नत है ये तुम्हारी जहन्नम है शोहर की इतात करोगी जन्नत मिलेगी शोहर की नाफरमानी करोगी जहन्नम में जाओगी ये क्या एटीट्यूड है ये क्या सलूक है कि मुझे कोई परवाह नहीं है मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे नहीं होता बल्कि नबी करीम सलात वाम ने यहां तक कहा है कि कुछ लोगों की नमाज़ें उनके सरों से ऊंची नहीं उठती चाहे जाए कि आसमानों पर अल्लाह के पास जाएं सरों से ऊंची नहीं उठती फरमाया नबी करीमत ने कि जिनकी नमाज़ें उनके सरों से ऊंची नहीं उठती हैं उसमें से एक वो औरत जिसका शोहर उससे नाराज़ हो उसकी नमाज उसके सर से ऊंची नहीं उठेगी तो यहदीश हमें क्या बताती है आप औरतों को यह हदीस क्या समझाती है कि आप बड़ी नमाजी परहेजगार हों रोजेदार हों सद खैरात करने वाली हों बहुत कुछ आप हों लेकिन आप अपने शोहर के लिए कुछ नहीं है आपका शौहर आपके लिए कुछ नहीं है आपके शोहर को आपकी शोहर को आपको परवाह नहीं है तो आपकी नमाजें आपकी जक़ातें आपकी नेकियां कहाँ कबूल होंगी कैसे कबूल होंगी सरों से ऊंची नहीं उठेंगी तो आसमान तक जाएंगी कैसे कैसे अल्लाह कबूल करेगा मजदस ख़वातीन शहरों की इताद को अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टारगेट बना लें आपकी जिंदगी कामयाब होगी नबी करीमरेत वसलाम ने फरमाया कि जो औरत पांच वक्त नमाज की पाबंदी कर ले रमज़ान के रोज़े रख ले अपनी शर्मगाह की हिफाज़त कर ले और शोहर की इताअत कर ले जन्नत के आठों दरवाज़े उसके लिए खुले होंगे अब जिससे चाहे जन्नत में चली जाए तो शौहर की इताअत जन्नत के दाखिले का ज़रिया है और जिसको शोहर की इताद की परवाह ना हो जिसको शोहर की इताद से कुछ लेना देना ना हो या जो शोहर की इताद अपनी खुशी में सिर्फ समझती हो अपने मतलब में समझती हो खुद गर्जी में समझती हो तो ऐसी इतातों का क्या फायदा और बड़े अफसोस के साथ मैं तमाम खवातीन से इस पर गौर फिक्र की गुजारिश करूंगा कि आप गौर करें अपनी जिंदगी पर कि आप अपने शोहरों की कहां तक फरमाबरदार हैं आम तौर पर औरतों का चलन यही है कि अपनी पसंद की बात हो तो शोहर की बात बड़ी खुशी खुशी तस्लीम कर लेती हैं और जब थोड़ा सा नाराज़ हो तो ऐसी सूरत में शोहरों की बात नहीं सुनती शोहरों की बात नहीं मानती ये किसी सूरत जायज नहीं है बल्कि बाज़ औरतें अपने शोहरों के हकूक़ अदा नहीं करती जो उनके इस्तेवाजी हकूक हैं उसमें आड़ बन जाती हैं ये तो बहुत बड़ा गुनाह है बहुत बड़ा गुनाह है नबी तो सलाम ने फरमाया कि अगर कोई औरत अपने इस्दवाजी हकूक शोहर को न दे और शोहर नाराज होकर रात गुजार दे तो वो औरत रात भर अल्लाह की लानतों में रहती है अल्लाह के फरिश्ते सुबह तक उस पर लानते करते रहते हैं जब तक वो उससे राजी ना हो जाए तो मत खीन शहरों की इतात हर हाल में होनी चाहिए हां आप कभी शोहर पर गुस्से में हैं गुस्से का इजहार करना चाहती हैं, इजहार कीजिए हुक अदा करके कीजिए उसकी इतात में कीजिए बेहतर अंदाज से कीजिए अल्लाह की नाराजगी अपने ऊपर लिए बगैर कीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है आपको हक पहुँचता है नबी करीम सलाम की बीवी आयशा सिद्दीक रजी भी आपसे नाराज़ हुआ करती थी बाज़ात अल्लाह के नबी की बीवी आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह कहती हैं कि बाज़ात में अल्लाह के नबी से नाराज़ हो जाती अल्लाह के नबी पहचान लेते अल्लाह के रब सलाम ने कहा अरे से एक मरतबा कि आयशा सुनो जब तुम मुझसे खुश होती हो जब तुम नाराज़ होती हो मैं पहचानता हूँ अच्छे से पूछा वो कैसे तो कहने लगे अल्लाह तो सलाम तो कि जब तुम खुश होती हो ना तो कोई बात करती हो कहती हो रब मोहम्मद की कसम तो रब मोहम्मद की कसम और जब नाराज़ होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम इब्राहिम के रब की कसम तो माई आयशा सिद्दीक रफी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ आपको नहीं छोड़ती तो ऐसे नाराज़ होया जाता है कि शोहर आपका रहे और आपकी नाराज़गी भी जाहिर हो जाए ऐसे नहीं कि नाफरमानी करें खिलाफ वर्जी करें शोहर के खिलाफ जाए जबान दराजी करें बदतमीज़ी करें आपको यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर इस दुनिया में किसी को सजदे की इजाजत देनी होती तो आपको हुक्म देता कि आप अपने शोहरों को सजदा करें माँ बाप को नहीं अपने माँ बाप को आप सजदा करें ये नहीं आपके शौहरों को आप सजदा करें इस बात का आपको हुक्म देता क्यों क्योंकि इन दोनों के रिश्ते की बेहतरी माशरे की बेहतरी है इन दोनों के रिश्ते में भलाई पूरे माशरे में खैर लाती है सुकून का जरिया बनती है इस्लामी माहौल मिलता है और ये रिश्ते जहां पर तन जाए वहां घर सुकून की जिंदगी नहीं गुजारता घर में इस्लामी माहौल कभी पैदा हो ही नहीं सकता उस घर में सुकून ही नहीं आता जहाँ पर इस किस्म की बगावतें हों के बीवियां शोहरों के खिलाफ रहें तो मज़ आप लोगों से खास तौर पे गुजारिश है कि शोहरों की फरमा बरदार बने बहुत बड़ा हक हाँ अल्लाह ने उनको दिया है आप यह ना सोचें यह ना, ना समझें कि हक हाँ वो पा गए हैं बल्कि आप ऐसे सोचें कि यह हाँ अल्लाह ने उनको दिया है आपके रब ने उनको दिया है यह हक हाँ। उस हक हाँ को माने जो अल्लाह ने उनको हता किया है रब की मुखालफत ना करें हो सकता है कुछ आदतें आपको शहरों की पसंद ना आए लेकिन हकूक ना खत्म करें नाफ़रमानी ना करें अल्लाह के लानतों के अपने आप को हकदार ना बनाएं, अपनी नमाज़ों के नबूल होने का ज़रिया अपने आप को ना बनाएं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम औरतों को अपने शोहरों का फरमा बरदार बने रहने की तोफ़ी नसीब फरमाए उनकी इबादतों कोबूल फ़रमाए घरों में इस्लामी माहौल पैदा फरमाए और खुशगवार ज़िंदगी तमाम को नसीब फरमाए آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته